हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन साइंस एक्सपेरिमेंट। फ्रेंड, यूट्यूब पर तो आपने बहुत ही वीडियो देखा होगा। कभी एलईडी बल्ब को आलू से जला दिया जाता है, कभी प्याज से जला दिया जाता है, तो क्या सच में जलता है? चलिए इसे हम भी ट्राई करके देखते हैं और इसे जला कर देखते हैं ये सच में जलेगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए इसे जलाते हैं। तो सबसे पहले एक होल्डर को लेते हैं। होल्डर में इसे सबसे पहले इसे फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद एक प्याज को लेंगे और दो काटी लेंगे, और दो काटे को कुछ इस तरह से प्याज में सेट कर देंगे और सिंपली इसे रख कर अब इसे दोनों में टच करेंगे और फिर देखते हैं कि ये बल्ब जलता है या नहीं। तो चलिए इसे टच करके देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों, ये बल्ब सफलतापूर्वक जल चुका है और अब ट्राई कर दें। थोड़ा पानी लेते हैं और इसमें ट्राई करते हैं कि इससे जलता है या नहीं। तो इसमें भी पानी से बल्ब जल रहा है। तो अब मैं इसके पीछे का असली राज बताता हूँ फ्रेंड। कोई जादू नहीं है जो प्याज से और आलू से बल्ब जलेगा। एक चार्जेबल बल्ब है एलईडी के अंदर। इस एलईडी के अंदर एक बैटरी लगा हुआ है जो खुद जलता है इस तरह से टच करने पर। ये लाइन कट जाने पर खुद ऑटोमेटिक जलता है और लाइन आ जाने पर ये ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है। तो ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब फेक है। यूट्यूब वाले सिर्फ व्यूज पाने के लिए कुछ भी वीडियो बना देते हैं। तो ये एक चार्जेबल बल्ब है और ये भी जला सकते हैं। कोई इस तरह का बल्ब नहीं है जो आलू से और प्याज से जल जाएगा, ये सब फेक बात है। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।